परिवार गधों पर नमक और मुल्तानी मिट्टी बेचता था। घर में बेटी पैदा हुई तो 4 महीने बाद ही उसकी शादी तय कर दी। खेलने और पढ़ने की उम्र में 8 साल की तारा रोड कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करने लगी। जिंदगी ने एक के बाद एक चुनौतियां दी, लेकिन तारा की हिम्मत के आगे एक भी न टिक पाई। झोपड़ी से निकलकर 17 साल की तारा साउथ अफ्रीका तक पहुंची। वहां दुनिया को चाइल्ड लेबर रोकने, बच्चों पर अत्याचार खत्म करने और उनका भविष्य संवारने का मंत्र दिया। बता दें कि 4 दिन पहले ही तारा अपने गांव थाना गाजी के निमड़ी आई। दैनिक भास्कर की टीम तारा से मिलने पहुंची। तारा के घर में 6 बहनें, 1 भाई, माता पिता और दादी है। 10 सदस्यों का परिवार एक झोपड़ी में रहता है, जिसमें 3 ही चारपाई है। पानी के लिए मटकों के बजाय सिर्फ 2 बोतल है। पिता अब प्याज और लहसुन बेचकर मजदूरी करते हैं। तारा ने बताया कि साउथ अफ्रीका तक का सफर आसान नहीं था। 8 साल की उम्र में सड़क बनाने का काम करती थी तो लगता था जिंदगी भर अब यही करना है, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन आज बाल आश्रम स्कूल ने मेरी किस्मत ही बदल दी। बाल आश्रम स्कूल के संपर्क में आने के बाद 2012 में पढ़ाई से नाता जुड़ा। टीचर ने मेरी मेहनत देख कर 2012 से 3 साल में 7 क्लासें पास करवा दी। अभी बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। तय कर रखा है पहले नौकरी करूँगी, उसके बाद शादी करूँगी। तारा ने बताया घर वालों ने उसकी बहन आकाश की 5 साल की उम्र में सगाई कर दी। कोरोना काल में शादी करने वाले थे लेकिन मैंने कैंसिल करा दी। भाई बहनों में तारा सबसे बड़ी है। तारा से छोटी बहन आकाश है जो 10वीं में पढ़ती है। शैम्पू 13 साल की है, 8वीं में पढ़ती है। नरेश 10वीं में है, टुकला 4थी में। तारा को 12वीं में 85% अंक मिले। अब तक 22 बच्चों को मजदूरी से मुक्त करा चुकी है तारा। तारा कहती है कि उनका जीवन साल 2012 से बदला है, जब वह कैलाश सत्यार्थी व सुमेधा के संपर्क में आई थी। उसकी मेहनत को देखकर पहली के बाद 3री और 5वीं के बाद सीधे 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया। उसके बाद से लगातार पढ़ाई जारी है। बाल आश्रम स्कूल की वजह से ही डबरन तक पहुंचने का मौका मिला है। तारा की दादी आबर 90 साल की है। वे कहती है कि बहुत खुशी हुई है, उनके कुनबे से कोई इतनी दूर नहीं गया। पहले वे गधों पर नमक व मुल्तानी मिट्टी बेचते थे, भीषण गर्मी में गांव-गांव भटकते थे। अब कम से कम एक जगह रहकर मजदूरी तो करते हैं। पोती के नाम से दादी का चेहरा खिल उठता है। तारा के इस जज्बे को देखकर आज पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।